सलमान खान को फिल्म मिली जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ की रंगदारी मांगी एक गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र राणा आज आपके लिए सलमान खान की धमकी से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूं। तो देखिए वो क्या है। अभिनेता सलमान खान से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग गई है और न देने पर उन्हें मार डालने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में बांद्रा पूर्वी निवासी आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा नामक व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुंबई यातायात पुलिस को मंगलवार को एक गुमनाम संदेश मिला जिसमें धमकी दी गई है कि अगर अभिनेता ने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। सलमान खान मुंबई के पोंछ इलाके बांद्रा पश्चिम के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां अप्रैल में 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों की गोलीबारी की, जिन्हें इस महीने के प्रारंभ में मुंबई यातायात पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन डेस्क को एक धमकी भरा संदेश मिला था जिसमें अभिनेता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में झारखंड के जमशेदपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तो ये थी अपडेट, जो कि सलमान खान को धमकी दी गई थी मारने की और उनसे पैसा वसूलने के लिए कहा गया था। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।